महिला मंडल प्रधान सुहारी सावित्री देवी तथा पूर्व प्रधान किरण कुमार की अध्यक्षता में बिजली विकास खंड के तहत आने वाले गांव का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर से अपनी समस्याओं को लेकर मिला। प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को दिए गए अपने शिकायत पत्र में गांव सुहारी निचली में बस ठहराव को लेकर, इसी गांव का एक व्यक्ति लोगों के लिए कई परेशानियां पैदा कर रहा है। बस ठहराव को सुहारी गांव को भगवान सिंह तथा उनका बेटा राजू राम लोगों को बिना वजह तंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने शिकायत पत्र में बताया कि गांव सुहारी निचली के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लोगों की सुविधा को लेकर मुख्य सड़क सुलौनी घोड़ी दबीरी से सुहारी बहुली तक इस सड़क का निर्माण किया गया है। यहाँ पर बस ठहराव के लिए स्टैंड बनाया गया है। भगवान दास व उनका बेटा लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर गाली गलौज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के लोग परेशान हैं। 28 व 29 जून को नायब तहसीलदार ने इस भूमि की निशानदेही की, यह भूमि सरकारी है। शिकायत के लोगों ने जनमंच की शिकायत के माध्यम से जिला प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया। जनमंच के माध्यम से मौके पर ही प्रशासन ने लोगों की समस्या का हल किया। वहीं इस समस्या के बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता के कार्यालय में भी लोगों ने स्वयं इस समस्या के बारे में अवगत करवाया। ग्रामीणों में सुमन कुमारी, मंजीत सिंह, जयमल सिंह, जगदीश राम, अभिनव कुमार सहित करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने उपायुक्त को अपना हस्ताक्षरित पत्र भी सौंपा। वहीं उपायुक्त ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल की शिकायत को सीधे उपमंडल अधिकारी को दिया जा रहा है। मौके की स्थिति के बारे में बड़सर उपमंडलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की जाएगी। जिला प्रशासन आरोपित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाएगा। जो कुछ एक आदमी है जो हमारा अड्डा है, उसके लिए उसने नजायज कब्जा कर रखा है। वो हमने उस अपने घर के लिए रैंप बना ली, सड़क बना ली सरकारी पैसे से, जो हमारा गांव के लिए रास्ता जाता है उसमें पौड़ियाँ लगा ली, जिससे सारा गांववासी परेशान है, दुखी हैं। बूढ़े ना चल सकते हैं, ना बच्चे वहाँ से उतर सकते हैं, ना माल पशु वहाँ से जा सकता है। कभी किसी की मृत्यु हो तो वहाँ से उतारने के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसी के लिए हम डीसी के पास आए हैं अर्जी देके, और हमारी अर्जी सुनी जाए ताकि हमारे को इंसाफ मिल जाए। आहरा अड्डा ना जी, वो एक आदमी ने रोक रखा है, हम ना वहाँ चढ़ सकते हैं ना उतर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। और जो हमारे को पटवारी कानून ने वो दिया अड्डे की जगह दी है ना, वो अड्डा उसने रोक रखा है, उसको बोलता है कि वो फाड़ना नहीं, तो आप बताएं हम कहाँ जाएं। हमारी बहुत बुरी हालत है सारे गांव की। गाँव का आदमी है, उसने पूरे अड्डे को कवर करके रखा हुआ है। हमारे जो 70 घर हैं उनके लिए पौड़ियाँ लगा दी है, और अड्डे में से उसने अपने घर के लिए सड़क बना ली है, वो भी हमारी जमीन है जहाँ से सड़क बनाई है, और जो पौड़ियाँ लगाई है वो भी हमारे घर घर की और गांव की जमीन है। और वो दिन रात गाली गलौज कर रहा है अड्डे पे, और अगर कोई गाड़ी खड़ी हो रही है अड्डे पे, कोई गाड़ी खड़ी हो रही है तब जो गाली गलौज करता है, ये मेरी जगह है यहाँ क्यों खड़क है, रोज लड़ाई झगड़ा कर रहा है। ओके पे और आपकी समस्या का निवारण, वहाँ पर पौड़ी ऐसी बड़ी है वहाँ चढ़ नहीं सकते, हमारी 85 साल उम्र है, अब हम कहाँ कहाँ जाएँ, वहाँ ना कोई जानवर जा सकता है ना कोई भी निकल नहीं सकता।